बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अलीजिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज डोदरा। आई एम मिसेस शाजिया अस्कर टीचिंग यू द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश क्लास 9। इट्स लेक्चर नंबर 73 एंड वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। टेंसेज वाइज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम कर चुके हैं। कौन सा टेंस है, उसका एक्टिव वॉइस किस टेंस में किस तरह से चेंज होना है, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस का भी कर चुके और लेट वाले सेंटेंसेस का भी कर चुके। आज इंशाल्लाह हम लेट वाले सेंटेंसेस अब करेंगे। ऐसा सेंटेंस लेट वाला जिसमें तजवीज़ दी गई है या इजाज़त मांगी गई है या किसी काम करने से रोका गया है, ऐसे सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं या लेट अस से स्टार्ट होते हैं। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। इस सेंटेंस में लेट के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। ऐसे सेंटेंसेस को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम इसके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस में कंफ्यूज कर देते हैं। लेट मी रिमाइंड यू, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से ऑर्डर दिया गया है या काम करने से रोका गया है, ओपन द डोर, और हमने उसकी पैसिव वॉइस में लेट यूज किया है। लेट द डोर बी ओपन, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। कीप इन माइंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस में लेट यूज हुआ है, लेकिन लेट वाले सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस में लेट पहले से मौजूद है। ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं भूलना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं है, सिंपली सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बस सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में दो चीजें हैं, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा इंपेरेटिव फिक्रा मुश्तमिल है। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप वर्ब है, राइटिंग लिखने का अमल है, ऑब्जेक्ट है। ओपन द डोर, ओपन वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया फिक्रे, ऐसे फिक्रे हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट है और वो फिक्रा खत्म हो जाता है। जबकि लेट वाले फिक्रे जो हैं, जिसमें तजवीज दी गई है, इजाजत मांगी गई है, मना किया गया है, लेट से स्टार्ट होते हैं। इनके फिक्रों के एक्टिव वॉइस में लेट पहले से मौजूद होता है। लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेले। लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। इस तरह के सेंटेंसेस अगर एक्टिव वॉइस आए तो उनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में लेट वाले फिक्रे ऐसे हैं जिसमें किसी काम करने की तजवीज दी गई हो, इजाजत तलब की गई हो या किसी काम करने से रोका गया हो, ये लेट वाले फिक्रे हैं। ऐसे फिक्रों में लेट पहले से मौजूद है, लेट के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है। अच्छे से इन फिक्रों के स्ट्रक्चर को जहन में रखिए, लेट से शुरू होते हैं, लेट के बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सारा कंप्लीट ट्रू सेंस में ये सेंटेंस है। ऐसे फिक्रों को जब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो इस लेट को हमने अपनी जगह से नहीं हटाना है। पैसिव वॉइस फिक्रे के शुरू में भी लेट आएगा, जो लेट एक्टिव वॉइस फिक्रे के शुरू में मौजूद था पैसिव वॉइस में भी वही लेट आएगा। तो सेंटेंस के स्टार्ट में हमने लेट लिखना है, राइट लेट इन द बिगिनिंग ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंस। आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो आपने पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ड लेट को लिखा रहने देना है। उसके बाद आप जिस तरह सिंपल सेंटेंसेस को करते हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, यानी आपने लेट लिखा और नया सब्जेक्ट लिखा जो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट था। लेट और सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ड लिखना है बी। अगर फिक्रा नेगेटिव है नॉट बी, अगर फिक्रा सिंपल है तो बी। बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। हर पैसिव वॉइस में फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड ही रहती है। बी के बाद, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आपने बाय लिखना है और बाय के बाद आपने वो ऑब्जेक्ट लिखना है जो एक्चुअली में पहले सब्जेक्ट था। नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट को आप एलिमिनेट करेंगे, एक्टिव वॉइस फिक्रे में डू नॉट था तो आप उसको एलिमिनेट करेंगे और बी की जगह नॉट बी लिखेंगे सब्जेक्ट की तरह। अब देखिए कि एक्टिव वॉइस फिक्रे को पैसिव वॉइस में करते हैं। लेट मी रीड द बुक, यही वाला फिक्रा, लेट स्टार्ट में मी सब्जेक्ट, रीड वर्ब, द बुक ऑब्जेक्ट। इसको अगर हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने लेट को सेंटेंस के स्टार्ट में ही लिखा रहने दिया। अब लेट के फौरन बाद आपने ऑब्जेक्ट जो है
इसको सब्जेक्ट की जगह लिखना है द बुक। अब ये सब्जेक्ट बन गया, एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट और लेट के बाद आपने वर्ड लिखना है बी, ये पैसिव वॉइस में ऐड होगा, और बी के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाय लिखना है, और बाय के बाद आपने वो ऑब्जेक्ट लिखना है जो स्टार्ट में सब्जेक्ट था। तो लेट मी रीड द बुक, मुझे किताब पढ़ने दो, इसका पैसिव वॉइस होगा लेट द बुक बी रेड बाय मी, किताब को मेरे से पढ़ा जाने दो, किताब को मुझसे पढ़ा जाने दो। लेट मी रीड द बुक, लेट द बुक बी रेड बाय मी। लेट को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे, सेंटेंस के स्टार्ट के बाद आप जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना के लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद आपने बी लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर बाय लिखना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे। एक और है नेगेटिव, देखिए डोंट लेट हिम राइट अ लेटर, नेगेटिव है आपने तो क्या करना है, डोंट को आपने एलिमिनेट कर देना है, बिल्कुल खत्म कर देना सेंटेंस को, स्टार्ट करना लेट से, लेट के बाद अ लेटर जो कि ऑब्जेक्ट था ये आपने सब्जेक्ट की जगह लिख देना है, लेट अ लेटर। अब आपने बी की बजाय नॉट बी लिखना है क्योंकि फिकरा नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में आपने नॉट बी लिखना है सब्जेक्ट के बाद, लेटर लेटर नॉट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है जो कि एक्चुअली में सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस के सेंटेंसेस देखिए, लेट हिम डू हिज ड्यूटी, लेट वर्ड है सजेशन के लिए, हिम सब्जेक्ट, डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हिज ड्यूटी ऑब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर टू, लेट अस हैव अ ड्रिंक। सेंटेंस नंबर थ्री, डोंट लेट हिम ड्रिंक टी। सेंटेंस नंबर फोर, डोंट लेट देम प्ले कार्ड्स। नंबर फाइव, लेट हिम फ्लाई अ काइट। नंबर सिक्स, लेट अस कन्वे द मैसेज। नंबर सेवन, लेट देम टेक द रिस्क। नंबर एट, डोंट लेट द बैड बॉयज इन्फ्लुएंस योर सन। डोंट लेट द बैड बॉयज इन्फ्लुएंस योर सन। नंबर नाइन, लेट मी प्लो द फील्ड। नंबर टेन, लेट मी डू माई ड्यूटी। नंबर इलेवन, डोंट लेट देम चीट यू। नंबर ट्वेल्व, लेट द बेकर बेक अ ब्रेड। नंबर थर्टीन, डोंट बीट द कैट्स। नंबर फोर्टीन, लेट हिम आस्क मी अ क्वेश्चन। This was all about sentences beginning with let. You have to change these active voice sentences into passive voice. Now, dear students, modals. ग्रामर के बहुत कम ही टीचर होंगे जो आपको मोडल्स के बारे में भी करवाएंगे, जिसकी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक आ जाता है। ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिनसे टेंस नहीं बनता, एबिलिटी, कैपेबिलिटी या ऑब्लिगेशंस बनती हैं, ऐसे हेल्पिंग वर्ब को हम मोडल्स कहते हैं, टेंसेस में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, कैन मोडल है, कुड भी मोडल है, मे और माइट दोनों मोडल है, वुड और शुड मोडल है, मस्ट भी मोडल है, ओ टू मॉरल ऑब्लिगेशन मोडल हेल्पिंग वर्ब है, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, हैज टू, हैव टू, यानी बी प्लस टू इकट्ठा होगा तो कि मोडल हेल्पिंग वर्ब है, और अगर बी की फॉर्म इज एम आर वाज वर है तो उससे टेंसेस बनते हैं। इसी तरह हैज टू, हैव टू, हैड टू, करना होगा, करना पड़ेगा, वॉन्ट टू, करना चाहता हूँ। ये जो टू वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मोडल्स हैं, इनके फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ये याद रखिएगा, ये आपको बहुत काम देगी जब आपने फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करना है। तो बी टू वाले, हैज टू वाले, वॉन्ट टू वाले फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मोडल्स कौन से हैं? कैन एंड कुड, मे एंड माइट, would and should, must, ought to, is to, am to, are to, has to, have to, had to, want to। modal helping verb के active voice को passive voice में बिल्कुल वैसे ही change करते हैं जैसे tenses वालों को change करते हैं। चूंकि ये tenses नहीं बनाते तो हमें इसमें ये ध्यान नहीं रखना कि कौन सा tense है, इसको किस में convert करना है, हमें सिर्फ helping verbs को convert करना है, बाकी सारे rule same है। rule number वन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, जैसे हम हर टेंस के स्टार्ट में करते रहे हैं। रूल नंबर टू, जब हमने नया सब्जेक्ट लिख लिया जो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट था, तो उसके बाद हमने मोडल हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अगर फिक्र असर्टिव सेंटेंसेस का है तो मोडल के साथ बी, यानी कैन था अगर एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में कैन बी, कुड बी, माइट बी, एटसेट्रा। एक्टिव वॉइस में जो भी मोडल है, पैसिव वॉइस में उसके साथ आप बी ऐड कर दोगे,
और अगर फिक्रा नेगेटिव है तो मोडेल के साथ नॉट और नॉट के बाद बी, कैन नॉट बी, कुड नॉट बी, मे नॉट बी, माइट नॉट बी, मोडेल नॉट बी। नेगेटिव सेंटेंस में असर्टिव में मोडेल के साथ बी ऐड करोगे, और अगर इंटरोगेटिव है तो मोडेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मोडेल हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। अब जब आप सबसे पहले सब्जेक्ट नया लिख चुके, उसके बाद मोडेल और बी लिख चुके, उसके बाद आप लिखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखोगे, बाय के बाद नया ऑब्जेक्ट लिखोगे जो कि एक्चुअली में सब्जेक्ट था। एक मैं आपके लिए कर रही हूँ, बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब इसके साथ बी लगा के और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में कन्वर्ट कर देना है। आई कैन सॉल्व दिस सम, ये कोई टेंस नहीं है, ना प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, मैं कर सकती हूँ, मेरी एबिलिटी या कैपेबिलिटी को शो करता है। तो आई सब्जेक्ट है, कैन मोडेल हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्व फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, दिस सम ऑब्जेक्ट है। इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया, उसके बाद मोडेल हेल्पिंग वर्ब आ गया, मोडेल और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बी, रूल नंबर टू। नंबर थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म, नंबर फोर पे बाय और मी ऑब्जेक्ट है जो कि एक्चुअली में सब्जेक्ट था, यानी कैन की जगह पे मे भी हो सकता था, मे बी, कुड बी, एटसेट्रा, जो भी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में है वही हेल्पिंग वर्ब लिख के आप साथ में बी लिख दोगे। सेंटेंसेस दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। शी मे चीट हिम, मे हेल्प मोडेल हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस में मे बी आ जाएगा। शी कुड हेल्प मी, ही माइट टेक टी, वी शुड हेल्प द पुअर, आई वुड टीच हर, वी मस्ट लव अवर कंट्री, वी ओ टू, ये हेल्पिंग वर्ब ओ टू पूरा मोडेल है और पैसिव वॉइस में ओ टू के बाद आप बी लगाओगे, टू को एलिमिनेट नहीं करना। वी ओ टू हेल्प द पुअर, शी इज टू सॉल्व द सम, इज टू पूरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस में इज टू के साथ बी ऐड करोगे, टू को आपने रिमूव नहीं करना। ही हैज टू लर्न द पोएम, हैज टू पूरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, शी वाज टू लल द बेबी, वाज टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, आई विल हैव टू, विल हैव टू पूरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस में विल हैव टू बी, आई वॉन्ट टू टेक टी, वॉन्ट टू पूरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग टी मस्ट बी वॉन्टेड बाय मी, दे हैव टू ओबे द टीचर, कैन यू फीड द डॉग, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, कैन द डॉग बी फेड बाय यू। दिस इज ऑल अबाउट टेंसेज एंड दिस इज द एंड ऑफ योर ग्रामर ऑल्सो। विद दिस लेक्चर आई विल सी यू गुड बाय, एंड मैम सादिया विल बी टीचिंग यू द सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश विच यू हैव ऑलरेडी रेड इन द क्लास। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स आपका पूरा 9th का सिलेबस खत्म हो जाता है। अगर आपने क्लास में साथ के साथ लेक्चर्स के साथ याद किया है, अच्छे से टेस्ट दिए हैं, तो आई विश यू अ वेरी बेस्ट सक्सेस। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।